हर साल होने वाला एक खास कार्यक्रम जो माँ और शिशु दोनों के लिए बहुत जरूरी है। माँ और शिशु के स्वास्थ्य के लिए बहुत जरूरी है, माँ और शिशु की ग्रोथ के लिए भी बहुत जरूरी है। हम बात कर रहे हैं विश्व स्तनपान सप्ताह के बारे में। आज हम आपको बताएंगे विश्व स्तनपान सप्ताह के बारे में कुछ खास बातें। नमस्कार, आप देख रहे हैं द नगरी न्यूज। मैं हूँ आपके साथ सद्देका मनोहर सोनी। स्तनपान एक नवजात शिशु के बड़े होने की यात्रा का सबसे जरूरी हिस्सा है। विश्व स्तनपान सप्ताह हर साल 1 से 7 अगस्त तक मनाया जाता है। हर साल यह कामकाजी महिलाओं के द्वारा उनके नवजात शिशुओं को स्तनपान करवाने में आने वाली समस्याओं के प्रति लोगों को जागरूक करता है। विश्व स्तनपान सप्ताह पहली बार 1992 में वर्ल्ड अलायंस फॉर ब्रेस्ट फीडिंग एक्शन द्वारा इनोसेटी डिक्लेरेशन की याद में लॉन्च किया गया था, जिसे 1990 में WHO और यूनिसेफ द्वारा अपनाया गया है। विश्व स्तनपान सप्ताह 2023 का क्या विषय है, अब हम आपको बताते हैं। स्तनपान को बढ़ावा देना, कामकाजी महिलाओं के लिए बदलाव लाना, ये विशेषकर कामकाजी महिलाओं के लिए स्तनपान के लिए एक अच्छा वातावरण बनाने जैसी बातों पर रोशनी डालता है। जैसे कि नवजात शिशु के स्तनपान और पालन शोषण पर कामकाजी महिलाओं को आने वाली समस्याओं के बारे में लोगों को सूचित करना, स्तनपान के लिए साधन और महिलाओं की मैटरनिटी लीव बढ़ाने जैसी सरकारी योजनाओं पर भी काम करना, काम के क्षेत्र में कंपनियों द्वारा स्तनपान के लिए अलग कमरे और सहयोगी देना। वही आपको बता दें कि स्तनपान कराने से माताओं को स्तन कैंसर, टाइप 2 डायबिटीज और हृदय रोगों के होने की संभावना कम हो जाती है। यह अनुमान लगाया गया है कि स्तनपान कराने से स्तन कैंसर के कारण हर साल होने वाली कम से कम 20,000 माताओं की जान बचाई जा सकती है। इस विषय को इसीलिए चुना गया क्योंकि कामकाजी महिलाओं द्वारा कभी स्तनपान ना करने, कम समय तक स्तनपान करवाने या स्तनपान बंद करने जैसी समस्याएं आम कारण बनी हुई है। लेकिन आपको बता देते हैं कि स्तनपान बच्चे के लिए बहुत जरूरी है क्योंकि माँ का दूध पीने से बच्चे को बीमारियों में लड़ने से मदद मिलती है और माँ के दूध में प्रोटीन और रोग प्रतिकारक मौजूद होते हैं जो शिशु की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाते हैं, साथ ही शिशु के शारीरिक विकास में भी मदद करते हैं। धन्यवाद।